to the daily current affairs session of Plant Academy. So, 13 July से related जितने भी important MCQs हैं, उन सारे को हम लोग इस वीडियो में discuss करेंगे. तो इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिए और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए. So first question, who among the following appointed as Secretary of Overseas Indian Affairs, Arvind Kumar, Amitabh Kant, Vikas Gupta, Vikas Swarup and Arun Kumar? So right answer is option number C, that is Vikas Swarup. Okay, Vikas Swarup ko Secretary niyukt kiya gaya hai. Kiska? To Overseas Indian Affairs. Okay, OIA. So Overseas Indian Affairs kya? It was a ministry of the government of India and it was dedicated to all matters relating to the Indian diaspora around the world. Kab ye found hua hai? Ye found hua hai OIA ki main baat kar rahi hu. To OIA ka found hua hai, to OIA found hua hai May 2004 mein. Theek hai? Aur iska headquarters kahan hai? Iska headquarters hai Delhi. Okay? और हेडक्वार्टर्स के अलावा मिनिस्टर्स के रिस्पॉन्सिबल कौन है? तो वह सुषमा स्वराज, दैट इज मिनिस्टर ऑफ ओवरसीज इंडियन अफेयर्स. अब विकास स्वरूप, तो ये रहे फिगर में विकास स्वरूप, ये है विकास स्वरूप एंड ही हैज़ बीन अपॉइंटेड एज सेक्रेटरी इन द एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री. कब से ये इफेक्टिव होंगे अपनी सर्विस में? फ्रॉम 1 अगस्त 2019. ओके, इनकी बात करें तो ये 1986 बैच के इंडियन फॉरेन सर्विस के ऑफिसर हैं और प्रेजेंटली ही इज़ इंडियाज़ हाई कमिश्नर ऑफ कैनेडा. नेक्स्ट, यूएस इंडिया बायलैटरल ट्रेड कुड रिच $238 बिलियन बाय विच ईयर? यूएस इंडिया द्विपक्षीय व्यापार $238 बिलियन होगा यहाँ पे, $238 बिलियन कब तक, कौन से ईयर तक पहुँचेगा? तो सही आंसर क्या है इसका? इसका सही आंसर है 2025. ओके, तो जो बायलैटरल ट्रेड हुआ दोनों कंट्रीज़ के बीच में, यूएस और इंडिया के बीच में, तो उनमें बात हुई कि $238 बिलियन जो है वो ट्रेड पहुंचेगा 2025 तक और करेंटली अभी कितना चल रहा है? तो $143 बिलियन. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, खार्ची पूजा. ओके, खार्ची पूजा इज़ ऑल्सो In which of the following Indian state is celebrated? In which of the following Indian state? Okay, Tripura, Jammu and Kashmir, Jharkhand and Assam. So right answer is option A, that is ये Tripura में celebrate होता है. ठीक है, खार्ची पूजा ये एक हिंदू फेस्टिवल है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट त्रिपुरा का. ठीक है, अब त्रिपुरा का बात करें तो मैप में, इंडिया के मैप में त्रिपुरा ये रेड जोन में दिखता है. ठीक है, ये त्रिपुरा है, यहाँ का कैपिटल क्या है? कैपिटल है अगरतला. अगरतला इज़ द कैपिटल. टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं? तो टोटल 8 डिस्ट्रिक्ट्स हैं. ओके, वहाँ के गवर्नर कौन है? गवर्नर है कप्तान सिंह सोलंकी. ये है वहाँ के गवर्नर कप्तान सिंह सोलंकी. और वहाँ के सीएम कौन है? चीफ मिनिस्टर है वहाँ के बिप्लव कुमार देव. ओके, हु अमंग द फॉलोइंग अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ फायर सर्विसेज सिविल डिफेंस एंड होम गार्ड? इनमें से किसे डायरेक्टर जनरल ऑफ फायर सर्विस सिविल डिफेंस एंड होम गार्ड के रूप में नियुक्त किया गया है? मदन राव, एम नागेश्वर राव, आलोक वर्मा एंड डी रवि कुमार. सो राइट आंसर इज़ एम नागेश्वर राव. ओके, ऑप्शन नंबर बी. तो ये है एम नागेश्वर राव, जिनको डायरेक्टर जनरल ऑफ फायर सर्विसेज सिविल डिफेंस एंड होम गार्ड चुना गया है. ठीक है, तो ये सर्विस को एडिशनल डायरेक्टर ऑफ CBI भी बोलते हैं. ठीक है, तो CBI स्टैंड्स फॉर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन. ओके, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है. मोटो क्या है इसका? मोटो है इसका इंडस्ट्री इम्पार्शियलिटी एंड इंटीग्रिटी. इट इज़ रिटन ऑन द लोगो. ओके, और ये फाउंड कब हुआ है? फाउंडर कौन है इसके? तो फाउंडर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इट इज़ फाउंडेड इन 1963. ओके, Which of the following country has become the fifth country in the Southeast Asia region to eliminate measles? Measles means खसरा होता है. Southeast Asia region की पाँचवीं खसरा मुक्त देश कौन सी है? म्यांमार, श्रीलंका, इंडिया और नेपाल. So right answer is option B, that is Sri Lanka. श्रीलंका is the fourth country in WHO World Health Organization in Southeast Asia region. ठीक है, फर्स्ट इज आफ्टर भूटान, दैट इज़ फर्स्ट इज़ भूटान, देन मालदीव्स एंड टिमोर टेस्ट.
okay, to eliminate and control measles. ठीक है, अब श्रीलंका, श्रीलंका मैप में यहाँ है, ठीक है, ये एरिया पूरा श्रीलंका है, ठीक है. श्रीलंका का ऑफिशियल या एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल क्या है, तो वो है श्री जयवर्धनेपुरा, कोटे, कॉमनली उसको कोटे बोला जाता है, ठीक है. वो है एडमिनिस्ट्रेटिव या ऑफिशियल कैपिटल. और कोलंबो इज़ द कैपिटल ऑफ श्रीलंका. वहाँ की करेंसी क्या है, वहाँ की करेंसी है श्रीलंकन रुपी. वहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, प्रेसिडेंट है मैत्रीपाला सिरिसेना, ठीक है. तो ये है वहाँ के प्रेसिडेंट, ये है मैत्रीपाला सिरिसेना, ठीक है. वहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है, प्राइम मिनिस्टर है रानिल विक्रम सिंह, ओके. तोरण यादव एन इंडियन पैरा एथलीट हैज़ वॉन 3 सिल्वर मेडल्स एट 4th वर्ल्ड हेल्थ योगा फेस्टिवल एंड चैम्पियनशिप. ही हेल्स फ्रॉम विच स्टेट. तोरण यादव जो एक इंडियन पैरा एथलीट है, उन्होंने 4th वर्ल्ड वेल्थ योगा फेस्टिवल एंड चैम्पियनशिप में 3 सिल्वर पदक जीते हैं, तो वे किस राज्य से बिलोंग करते हैं, ओके. ए इज तमिलनाडु, बी कर्नाटका, सी असम और डी छत्तीसगढ़. सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज छत्तीसगढ़, ओके. वो छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं, वन सेकेंड, वो छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं, ओके. एंड दिस इवेंट हेल्ड एट यूरोप एंड रिसीव 2 सिल्वर मेडल्स इन द रिदमिक पेयर एंड आर्टिस्टिक एंड अ ब्रॉन्ज मेडल इन एथलीट योगा. क्लियर. तो ये हैं तोरण यादव, ओके. व्हाट इज द अमाउंट नबार्ड विल रेज नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इन 2019-20? ₹30,000 crore, ₹65,000 crore, ₹50,000 crore और ₹60,000 crore. सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज ₹60,000 crore. द नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट दैट इज नबार्ड हैज़ डिसाइडेड टू रेज लॉन्ग टर्म फंड्स ऑफ ₹60,000 crore थ्रू नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इन द करेंट फाइनेंशियल ईयर दैट इज 2019-20. ओके, तो हम लोग नाबार्ड के बारे में जानते हैं. नाबार्ड, नाबार्ड स्टैंड फॉर नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है. इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है. और इसके चेयरमैन कौन है, इसके चेयरमैन है हर्ष कुमार बनवाला. और फॉर्म कब हुआ है ये नाबार्ड, तो फॉर्म हुआ है 12th of July 1982, ओके. सो नेक्स्ट, BCC, the Bharat Chamber of Commerce, BC stands for Bharat Chamber of Commerce and the BRICS have signed an MOU, that is Memorandum of Understanding, to promote trade with which Indian state in particular, West Bengal, Bihar, Assam or Tripura. So right answer is option A, that is West Bengal. Bharat Chamber of Commerce and the BRICS Chamber of Commerce and Industry have signed an MOU, that is Memorandum of Understanding, to promote trade and investment in cooperation between West Bengal and BRICS countries. Clear? So BRICS. BRICS stands for Brazil, Russia, India, C for China, S for South Africa. Okay? It is the acronym coined for the association of 5 major emerging national economies. That I recently said, Brazil, Russia, India, China and South Africa. ठीक है, पहले इसको BRIC बोला जाता था, ठीक है. South Africa इसमें बाद में induct हुआ है 2010 में, तब से ये BRICS कहलाने लगा है, ओके. Found कब हुआ है ये, इट इज़ founded इन June 2016, ठीक है. इसका headquarters कहाँ है, headquarters है Aarhus University, Aarhus, Denmark, ठीक है. ब्राज़ील, ब्राज़ील के प्रेसिडेंट कौन है, ये ब्राज़ील के प्रेसिडेंट, दैट इज फिगर नंबर 1 इज प्रेसिडेंट ऑफ ब्राज़ील जेयर बोल्सोनारो. फिगर नंबर 2 इज व्लादिमीर पुटिन, ही इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ रशिया. थर्ड वन इज रामनाथ कोविंद, इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. फोर्थ वन इज सी जिनपिंग, ही इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ चाइना. एंड फिफ्थ वन इज साइरिल रामपोसा एंड ही इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका. क्लियर. सो नेक्स्ट, Which company launched the first electric SUV in India? किस कंपनी ने भारत में पहला विद्युत SUV लॉन्च किया है? BMW, Alto, Nissan और Hyundai. So right answer is option D, that is Hyundai ने पहला विद्युत SUV लॉन्च किया, that is electric SUV.
ठीक है, तो ह्युंडे जो है वो साउथ कोरियन ऑटोमोबाइल कंपनी है, ठीक है, एंड इट दिस कार दैट इज इलेक्ट्रिक एसयूवी ऑफर्स अ रेंज ऑफ 452 किलोमीटर इन अ सिंगल चार्ज, ओके, और इसमें जो है क्विक चार्ज डीसी सॉकेट भी लगता है, एंड इट कैन गेट 80% चार्ज इन 57 मिनट, क्लियर. सो नेक्स्ट, इंडिया हेल्ड अ मीटिंग ऑन स्पेस कोऑपरेशन विथ विच कंट्री, भारत ने किस देश के साथ अंतरिक्ष सहयोग पर एक बैठक की, रशिया, चाइना, जापान और यूनाइटेड किंगडम. सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज रशिया के साथ किया है, ओके, रशिया. तो डायरेक्टर जनरल जो है रशिया रॉस्कोमोस एंड फॉर्मर डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर डिमिट्री रोगोजिन हेल्ड डिटेल हाई लेवल टॉक्स विद नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो है दैट इज अजीत डोवल इन न्यू दिल्ली ऑन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ इंडिया रशिया स्पेस कोऑपरेशन. ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो है अजीत डोवल और रशिया के जनरल डायरेक्टर जनरल रशिया रॉस्कोमोस एंड फॉर्मर डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर डिमिट्री रोगोजिन ने ये हाई लेवल मीटिंग किया है इंडिया रशिया स्पेस कोऑपरेशन के ऊपर. ठीक है, मैप में देखते हैं तो इंडिया इस एरिया पे पड़ता है जो रेड से शो हो रहा है. रशिया का कैपिटल क्या है, रशिया का कैपिटल है मॉस्को. वहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, वहाँ के प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, और वहाँ के अभी करंट प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो है डिमिट्री मेडवेदेव. ठीक है, डिमिट्री मेडवेदेव, ओके. So, this is the last question of this session. I hope कि आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को जानने को मिला हो. तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए. And thank you for watching.